मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट JRF क्लियर करूंगी। मैं विश्व में योग का पताका फैलाऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं मेरी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम। अब तक हमने पहले 6 उपनिषद देख लिए हैं, मेन उपनिषदों में से। अब आज हम देखने जा रहे हैं वो है 7वां उपनिषद। क्या नाम है उसका, कौन बताएगा? कोई बताएगा सातवां एक उपनिषद? प्रयत्न जी जी बिल्कुल। जी विक्की जी। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या? अभी तक तो नहीं नो है। मैम। ओके ओके। एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अभी हो रहा है क्या? जी मैम, हो रहा है अभी। ओके ओके। थैंक यू। आज देखेंगे ऐतरेय उपनिषद, जो हमारे 10 उपनिषद है उनमें से 7वां उपनिषद। इसका जो विषय है, जो हम अपना सिलेबस है उसमें देखेंगे, उसका विषय है आत्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्म की अवधारणा के बारे में इसमें कहा गया है। ये जो उपनिषद है, वो जो 10 उपनिषद है उसमें से एक ही उपनिषद जो ऋग्वेद से आता है, वो ये ऐतरेय उपनिषद है। तो ये ऋग्वेद या ऐतरेय आरण्यक के कुल। मैम स्क्रीन बड़ी कर लीजिए। ओ थैंक यू पूनम जी। सही है। थैंक जी मैम। यू, रोज आप याद दिला देती हूँ। तो ये जो है वो ऋग्वेदीय ऐतरेयिक आरण्यक के दूसरे आरण्यक के चौथे, पांचवे व छठे अध्याय का नाम जो है वो ऐतरेयोपनिषद है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उसमें ऑप्शन आते हैं चौथा पांचवा या चौथा पांचवा छठा ऐसे। तो ये 3 अध्याय से ये लिया गया है, ये हमें याद रखना है, जिसमें कुल मंत्र जो है वो 33 है। इसमें 3 अध्याय कहे गए हैं, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय। तो जो प्रथम अध्याय है उसमें 3 खंड कहे गए हैं, द्वितीय अध्याय में 1 खंड और तृतीय अध्याय में 1 खंड है। और इस उपनिषद में ब्रह्म विद्या जो है उसकी प्रधानता का वर्णन किया गया है। और ये जो दूसरा अध्याय है वो हमारे सिलेबस में नहीं है जहां तक मुझे पता है, लेकिन मैंने लिख दिया है, एक बार हमें वो पता चले। उसमें खाली 6 ही मंत्र है, एक बार हम उसको भी देख लेंगे, पढ़ेंगे। तो जो प्रथम अध्याय है उसमें 3 खंड है, उसमें 23 मंत्र है। तो उस प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में हम देखेंगे कि
कि परमात्मा द्वारा सृष्टि की रचना का संकल्प कैसे किया गया है और लोक और लोकपालों की उत्पत्ति का वर्णन उसमें दिया है वो हम जानेंगे। तृतीय खंड में जहाँ पांच मंत्र है वहां पे देवताओं के लिए आवास रूप मनुष्य शरीर की रचना की गई है वो हम देखेंगे। आवास रूप मतलब उनको रहने के लिए आवास निवास जो होता है, तो देवताओं को रहने के लिए आवास रूप में मनुष्य शरीर की रचना और क्षुधा पिपासा की शांति हेतु अन्नादि की रचना, या क्षुधा अर्थात भूख और पिपासा अर्थात प्यास, तो भूख प्यास जो है वो शांत करने के लिए अन्न आदि की रचना की गई है वो हम जानेंगे यहाँ पे। और तृतीय खंड जो है वहां प्राणों द्वारा अन्न को ग्रहण करने का उपाख्यान और परमात्मा का मूर्धा मार्ग से प्रवेश, व्यक्ति रूप में उत्पन्न पुरुष की जिज्ञासा क्या है वो देखेंगे, और परमात्मा साक्षात्कार से कृतकृत होने का उल्लेख है वो यहाँ हम जानेंगे। और द्वितीय अध्याय जो है उसमें हम जो ऋषि वामदेव है उनके द्वारा जो जीवन चक्र का अनुभव किया है वो हम जान लेंगे। तो ये जो जीवन चक्र कहा है उसमें माता के गर्भ में जीव का जब प्रवेश होता है और जन्म लेके मरण तक जो चक्र होता है उसके बारे में हम जानेंगे। और जो तृतीय अध्याय है उसमें प्रज्ञान रूप परमात्मा को उपास सिद्ध किया है वो कहा है वो देखेंगे। और आगे काया त्याग के बाद परम धाम अपरम्परत प्राप्ति का निरूपण, काया त्याग अर्थात शरीर त्याग के बाद जो परम धाम प्राप्ति होती है उसके बारे में जो कहा है वो हम देखेंगे। तो पहला अध्याय देखते हैं, पहला अध्याय प्रथम खंड जो है उसमें है सृष्टि सृजन अर्थात सृष्टि की रचना, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई उसके बारे में कहा है। तो सृष्टि के आरंभ में पहले तो एकमात्र आत्मा ही था। यहाँ पे इस ऐतरेयोपनिषद में जो बुक में या ग्रंथ में दिया गया है उस परमात्मा को आत्मा ही कहा गया है। तो सृष्टि के आरंभ में एकमात्र आत्मा जो परमात्मा तत्व है वो उतना ही था, अन्य कुछ भी सचेष्ट नहीं था, कुछ भी सचेतन नहीं था और बस वो परमात्मा एक ही था। तो उसके द्वारा लोगों का सृजन की लोकों का सृजन किया गया। तो परमात्मा के मन में लोकों का निर्माण करने का विचार आया और फिर उसके द्वारा चार लोक जो है वो बनाए गए, उनका सृजन हुआ, उनका निर्माण हुआ। तो हमने पहले जो देखे हैं वो सात लोक देखे हैं, तो इस उपनिषद में चार ही लोक बताए गए हैं। तो वो लोक है अम्ब, मरीचि, मर और आपह। तो अम्ब जो लोक है वो द्युलोक से परे कहा जाता है अर्थात स्वर्ग की प्रतिष्ठा वाला जो लोक होता है वो ये द्युलोक है। तो ये अर्थात मह, जन, तप, सत्य जो हमने देखे हैं सात, तो ये भी यही पे आते हैं, द्युलोक से परे आगे जो है वो सब यही पे आते हैं। लेकिन ये जो द्युलोक से परे जो कहा गया है स्वर्ग की प्रतिष्ठा वाले जो है तो इसको स्वलोक भी कहा जा सकता है। भू भुव स्वाहा जो कहते हैं वो स्वाहा जो है वो इसे जाना जा सकता है। और ये जो अम्ब है वो शब्द जो है तो अम्ब मेघ जो है वो जल को धारण करने वाला, इसीलिए इसे अम्ब ये शब्द से जाना गया है। और दूसरा लोक जो है वो है मरीचि अर्थात अंतरिक्ष लोक, जहाँ सूर्य चंद्र तारका होते हैं, तो ये किरणों से संबंधित होने के कारण मरीचि कहलाता है। तीसरा लोक जो है मर लोक वो मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक जहाँ हम लोग रहते हैं अर्थात पृथ्वी का लोक जहाँ जीवन जन्म मरण का चक्र होता है ये भूलोक भी कहा जाता है। तो मर ये भूलोक, मरीचि भूव और अम्ब जो है वो स्वाहा। और जो चौथा लोक यहाँ पे कहा गया है वो है आपह अर्थात पाताल लोक, पृथ्वी के नीचे कई वर्णन तो नहीं है लेकिन जहाँ नीचे पानी ही पानी है, आप को जो हम पानी कह के भी जानते हैं, तो वो जो है नीचे का लोक वो उसे पाताल लोक कहा जाता है आपह।
ये चार हमें याद रखने हैं, तो कोई इसे मतलब मैंने जो याद रखा था तो अमराप करके मैंने याद रखा था, अंब मरीची मरह आप ऐसे। हाँ, तो ये लोकों का सृजन हुआ, लोकों की निर्मिति पहले परमात्मा द्वारा की गई, तो लोक का निर्माण तो हुआ लेकिन उनमें रहने के लिए लोकपालों की निर्मिति का विचार उस परमात्मा के मन में आया। फिर परमात्मा ने सोचा लोकपाल भी निर्माण करने हैं, तो उनका विचार आते ही परमात्मा ने आप से अर्थात जल से एक पुरुष की उत्पत्ति की, उसका नाम हिरण्यगर्भ बताया गया है, और उस हिरण्यगर्भ को लक्ष्य करके संकल्प किया, तप किया, और उस संकल्प रूपी तप से आठ लोकपालों की रचना की। तो ये आठ लोकपालों की रचना है वो हिरण्यगर्भ को लक्ष्य करके जो संकल्प रूपी तप किया उससे हुई। तो परमेश्वर के तप से हिरण्यगर्भ का शरीर जो है वो अंडे की तरह फूट गया, अंडा जैसे फूट जाता है वैसे हिरण्यगर्भ का शरीर फूट गया, और उससे अंडा फूटते जैसे वो एक मुख बनता है, छिद्र वहां बनता है, वैसे ही वो शरीर फूटने के बाद वहां से एक मुखचित्र प्रकट हो गया, और उससे एक-एक लोकपालों की उत्पत्ति हुई। तो पहला जो छिद्र था वो था मुख, और मुख से वाचा की अर्थात वाक इंद्रिय जो है उसकी उत्पत्ति हुई, जिसके देवता थे अग्नि। फिर दूसरा छिद्र नासिका जो छिद्र है वो उत्पन्न हुए, उससे प्राण है, प्राण से ये उसकी शक्ति है, उसका उसके देवता है वायु। फिर आंखों के छिद्र से चक्षु की निर्मिति, उसके देवता सूर्य। कर्ण छिद्र से श्रोत्र, उसकी दिशाएं जो है वो देवता है, और जो त्वचा छिद्र है जो रोम अपने शरीर पे लोम है वहां पे जो रोम उत्पत्ति हुई उसकी शक्ति, उसकी देवता वृक्ष वेली या औषधि वनस्पति है। अर्थात ये सब ढके हुए थे जो एक एक खुल गए हैं। फिर हृदय, हृदय से मन उत्पन्न हुआ, उसकी देवता है चंद्रमा। जिस हृदय में हम संकल्प करते हैं भावना उत्पन्न होती है, ऐसे कहा जाता है। ये भी पहले नहीं था लेकिन ये उत्पत्ति जब हुई, ये छिद्र जब खुला तो मन की उत्पत्ति हुई, वहां भावनाएं आने लगी। हम संकल्प करते हैं तो उसकी देवता है चंद्रमा कही गई है। फिर नाभि, अपान वायु उसकी शक्ति है और देवता है मृत्यु। फिर जो लिंग है वो उत्पन्न हुए, वहां से वीर्य, और जिसकी देवता है जल। तो ये शरीर के सब छिद्र है और इनकी शक्ति व देवता जो है वो एक चार्ट में ऐसे लिखे गए हैं। ये भी हमें याद करने हैं कि जो इंद्रिय छिद्र मुख छिद्र है उसकी शक्ति वाक इंद्रिय, देवता अग्नि, नासिका छिद्र प्राण से जो हम सांस लेते हैं वायु देवता, आंखों के छिद्र बने उसकी शक्ति चक्षु इंद्रिय जो देखने की शक्ति, उसके देवता सूर्य देव है। जो कर्ण छिद्र बने जो श्रोत्र इंद्रिय सुनने की शक्ति, उसकी देवता सारी दिशाएं। जो त्वचा है उसकी वो जो रोम है उसकी उसके देवता है जो औषधि वनस्पति या वृक्ष वेली। हृदय जो शक्ति है मन और देवता चंद्रमा, और नाभि अपान वायु जिसकी शक्ति है और देवता है मृत्यु, और लिंग जिसकी शक्ति है वीर्य और देवता कहे हैं जल देवता। तो जैसे ही ये छिद्र खुलते हैं तो उन शक्तियों के साथ उन लोकपालों की, आठ लोकपालों की उत्पत्ति हो जाती है, उनके आठ देवता यहाँ पे हमने जाने हैं। तो यहाँ पे प्रथम खंड खत्म होता है। तो परमात्मा को लोक निर्माण करने की इच्छा हुई, उन्होंने निर्माण लोकपालों के निर्माण का विचार किया, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई जो तप से हुई है संकल्प रूपी तप से, और जो आठ छिद्र बने अर्थात आठ लोकपाल, उनकी शक्ति वो उनकी देवता कही गई। तो उसके बाद उत्पत्ति होने के बाद
उस चित्र से वो इस संसार में आ गए। तो लोकपाल की उत्पत्ति का वर्णन आया है कि परमात्मा द्वारा रचे गए सभी देवता, जो अभी हमने देखे 8 लोकपाल और देवता, इस संसार रूपी महासागर में आ गिरे। जैसे ही वो यहाँ पे आए तो उनको भूख प्यास लगने लगी, क्योंकि परमात्मा ने उन्हें क्षुधा पिपासा युक्त कर दिया। तो वो आ गए और उनको भूख प्यास लगने लगी, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने परमात्मा से याचना की कि हमें आश्रय दे, तो भूख प्यास लगी है, हम इसको कैसे शांत करें, तो हमें कुछ तो चाहिए आश्रय लेने के लिए। तो उसके बाद परमात्मा ने उनको शरीर देना चाहा, तो पहले तो उन्होंने उसको गाम का यानी गौ का, गाय का शरीर देना चाहा, लेकिन पहले जो गाय का शरीर बनाया, लेकिन सब देवता रहते कहते हैं कि हम इसमें नहीं रहेंगे, ये हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। तो उसके बाद परमात्मा ने अश्व का अर्थात घोड़े का शरीर बनवाया, लेकिन फिर भी देवता कहते हैं कि ये भी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, तो हम इसमें निवास नहीं कर पाएंगे, आप कुछ और शरीर दे दो। तो परमात्मा, उन्होंने पुरुषम अर्थात मनुष्य का शरीर उनको दिया, जो उनको बहुत अच्छा लगा और वो खुशी खुशी उसमें रहने के लिए राजी हो गए। उस रचनाओं को देवताओं ने पसंद कर लिया, तो सभी देवता खुश होकर उस मनुष्य शरीर में प्रविष्ट हो गए, उसमें आश्रय ले लिया उन्होंने। तो अब सब लोकपाल खुश हो जाते हैं और मनुष्य शरीर को धारण, मनुष्य शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो ये कैसे प्रविष्ट होते हैं, ये हमें देखना है। जैसे एक एक छिद्र से वो आए बाहर, उसी छिद्र से वो अंदर गए, तो वो रिवर्स ऑर्डर यहाँ पे हमें याद रखनी है। तो हमने देखा कि मुख से, वाचा से अग्नि देवता, ऐसे वो मुख से, पहला छिद्र जो था वो मुख था, वहां से अग्नि देवता आए थे। तो जब वो शरीर में प्रविष्ट होते हैं, एक एक करके शरीर में जाते हैं, तो वो जाते वक्त भी जो अग्नि देवता जाती है, वो वाक इंद्रिय बन के, वाचा बन के मुख से अपने शरीर में प्रविष्ट होती है। जो वायु देवता है वो प्राण बन के, प्राण रूपी शक्ति बन के नासिका छिद्र में प्रविष्ट होती है। जो सूर्य देवता है वो नेत्र इंद्रिय बन के आंखों के गोलकों में या आंखों में बस जाते हैं। जो दिशाओं के देवता है वो श्रोत्र इंद्रिय बन के अपने कर्णों में, कानों में बस जाते हैं। जो औषधि वनस्पति के देवता है वो रोम बन के, रोए बन के अपनी त्वचा में प्रविष्ट हो जाते हैं उस शरीर के। और जो चंद्रमा है वो मन बनकर हृदय में आश्रय ले लेते हैं। मृत्यु देवता अपान वायु बनकर नाभि में प्रविष्ट हो जाती है। और जो जल देवता है, जल के देवता है, वो वीर्य बनकर लिंग में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो एक एक करके ये सब लोकपाल तो शरीर में प्रविष्ट हो गए, अपना अपना स्थान उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब बचे जो क्षुधा और पिपासा, तो उन्होंने भी परमात्मा से कहा कि हमें भी चाहिए आश्रय, हमें भी चाहिए, हम कहाँ जाएंगे। तो परमात्मा ने उनको कहा कि ये जो सभी देवता है उनके साथ साथ आप भी जाओ, तो मैं इनमें आपको बांट देता हूँ, हर एक में, तो सभी देवों में ही मैं तुम्हें भागीदार बनाता हूँ। ऐसे परमात्मा ने क्षुधा और पिपासा को कहा, अर्थात हर देवता में उनको निवास करने को कहा। उनके बिना हर देवता अधूरी है, ऐसा कहते हैं वो, क्योंकि हम देखते हैं कि भूख प्यास ही नहीं लगेगी, तो हम खाना नहीं खाएंगे तो शरीर पुष्ट नहीं होगा, शक्ति नहीं मिलेगी, तो आगे कोई भी इंद्रिय जो है हमारा वो बलशाली नहीं होगा। तो हर एक में वो क्षुधा, जो भूख प्यास जो है, इसीलिए हर एक में बांट दी। और परमात्मा ने कहा कि सभी देवों में ही मैं तुम्हें भागीदार बनाता हूं। तो ऐसा परमात्मा सोचते हैं, भूख प्यास को सब में बांट दिया उन्होंने, बोला हर एक में रहो, लेकिन भूख प्यास तो कर दी, लेकिन उसके लिए अन्न चाहिए।
तो परमात्मा सोचते हैं कि अन्न की रचना करनी पड़ेगी, इसीलिए तृतीय खंड में वो अन्न की रचना का वर्णन दिया है। तो ये जो लोक है और लोकपाल है उनके लिए अन्न की रचना की गई है। तो यहाँ पे हमने जहाँ देखा पहले कि लोकपालों की रचना करते वक्त हिरण्यगर्भ को लक्ष्य करके तप किया था, तो अन्न की रचना करते वक्त जल को लक्ष्य करके परमात्मा ने संकल्प से तप किया है। और पंच सूक्ष्म महाभूतों को उन्होंने तपाया, उनके अंतर्गत चेतना उत्पन्न की गई और उस सूक्ष्म महाभूतों से एक मूर्ति की उत्पत्ति की गई। और ये जो मूर्ति है वही अन्न है, ये ध्यान हमें रखना है। और जैसे ही अन्न की उत्पत्ति हुई वो अन्न इधर उधर भागने लगा, दौड़ने लगा, बोला मैं एक जगह नहीं रुकूंगा। तो इस अन्न ने पुरुष से भागने की चेष्टा करते ही सब जो थे लोकपाल वो एक एक करके उसे पकड़ने लगे। तो पहले जो थे, जो वाणी थी, वाक इंद्रिय जो बोलकर उसको उन्होंने ग्रहण करना चाहा, अन्न को वाणी ने बोलकर ग्रहण करना चाहा, वाणी ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन अन्न उसकी पकड़ में नहीं आया। अगर वो आ जाता तो क्या होता कि अगर हम बोलते तो तभी हमारी क्षुधा शांत हो जाती, हमारी भूख मिट जाती। अगर आपके सामने कुछ रोटी या है, मैं बोलती हूँ अगर रोटी समोसा पिज्जा, हम बोलते ही हमारी भूख मिट जाती। इसीलिए वो बोलकर भी नहीं हुआ, वो अन्न भागने लगा। फिर जो है घ्राणेन्द्रिय अर्थात अपना नाक, उसने सूंघ कर उसे ग्रहण करने की कोशिश की, लेकिन अन्न उसके भी पकड़ में नहीं आया। अगर वो आ जाता, वैसा होता तो हम अगर कोई रोटी सब्जी सूंघ भी लेते तो हमारी क्षुधा शांत हो जाती, तो वो भी नहीं हुआ। आंखों ने देखकर उसे ग्रहण करना चाहा, लेकिन अन्न उनकी भी पकड़ में नहीं आया आंखों की, नहीं तो हम खाली देखते ही हमारी भूख मिट जाती। कानों ने भी वैसे ही प्रयत्न किया कि सुनकर कानों से उनको ग्रहण करने का प्रयत्न किया, लेकिन अन्न कानों के भी पकड़ में नहीं आया। वैसे ही त्वचा ने प्रयत्न किया कि छूकर वो अपने अंदर जाए, लेकिन वो उसके भी पकड़ में नहीं आया। आगे जाके मन ने भी वैसे ही उसे पकड़ना चाहा चिंतन करके, लेकिन अन्न उसके भी पकड़ में नहीं आया। अगर वैसे हो जाता तो हम बस खाली बैठकर अगर चिंतन करते कि अरे हाँ मुझे अन्न चाहिए और मुझे मिल गया है, तो वो चिंतन करते ही हमारी भूख मिट जाती, लेकिन वैसे ही नहीं हुआ। फिर आगे जाके उपस्थ ने चेष्टा की वो उस अन्न को पकड़ने की, लेकिन वो जो है वो त्याग से उसे पकड़ना चाहा, लेकिन वो भी उसे पकड़ नहीं पाए। और लास्ट में जो अपान वायु है उसने अन्न को ग्रहण करने की चेष्टा की, और जैसे ही अपान वायु जाती है वो उसने अन्न को ग्रहण कर लिया, तो मुख मार्ग से उसको अपान वायु ने ग्रहण कर लिया। तो ये याद रखना है कि सबने अन्न को पकड़ने की चेष्टा की, लेकिन अपान वायु ने ही खाली अन्न को ग्रहण कर लिया। तो ये जो अपान वायु है वो हमें लगता है अपान वायु को अन्न कैसे ग्रहण किया, तो जाता तो अन्न मुख से ग्रहण किया, चर्वण किया उसको, लेकिन वो अंदर जाके पचन होके जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन वहां जाके जो नहीं चाहिए वो अपान उसको बाहर निकाल देता है। और जो अन्न रस हमें मिलता है उसका शोषण किया जाता है, वो शरीर के हर इंद्रियों तक तो पहुंचाया जाता है, और ये सब अन्न से होता है। इसीलिए इस अपान को अन्नायु भी जानते हैं, क्योंकि अन्न से ही जीवन की रक्षा होती है। यहाँ देखते हैं अंत में, ये पता नहीं क्या हो गया मुझसे गलती से कुछ, तो अंत में अपान वायु ने अन्न को पकड़ कर लाया और ग्रहण कर लिया। इसीलिए अन्न ग्रहण करने वाला जो है वो अपान वायु है, और अन्न से जीवन की रक्षा करने वाला भी अपान वायु है, जो अन्नायु भी जाना जाता है। तो सबसे प्रसिद्ध वायु जो है अपान वायु, जो जीवन की रक्षा भी करता है
और अन्न को मुख मार्ग से ग्रहण भी करता है। तो परमात्मा ने ये तो कर लिया, लोक लोकपाल क्षुधा पिपासा अन्न निर्मिति सब हो गया, अन्न को ग्रहण भी कर लिया। फिर परमात्मा सोचते हैं कि ये तो मैंने कर लिया, लेकिन मेरा स्थान कहाँ है? तो मंत्र में आता है कोहम अस्मि, मैं कहाँ हूं इसमें? मेरे बिना तो ये शरीर कुछ नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने इस शरीर में प्रवेश करना चाहा, वो चाहते हैं मुझे भी इस शरीर में जाना है। तो परमात्मा का जो शरीर में प्रवेश होता है, तो वो कहाँ से जाते हैं? मस्तक स्थित जो ब्रह्म रंध्र है, वहां से शरीर की सीमा को चीर कर मूर्धा के द्वारा जो परमात्मा है वो शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, मनुष्य शरीर में प्रविष्ट होते हैं। तो ये जो परमात्मा का प्रवेश द्वार है उसे विद्रुति नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखना है हमें कि परमात्मा का जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है यहाँ पे विद्रुति नाम उसको बोला गया है, जो आनंद देने वाला है, जो ब्रह्म प्राप्ति का द्वार है। हमने पहले भी देखा है कि जब सुषुम्ना से ऊर्ध्वगामी होकर आगे जाते हैं प्राण, तो ब्रह्म रंध्र में जाकर अमरत्व की प्राप्ति होती है। तो वो जो आनंद मिलता है जिसे विद्रुति यहाँ कहा गया है। तो ये जो परमात्मा है तो उसकी उपलब्धि कैसे है, कहाँ है उसके स्थान, उसकी उपलब्धि कहाँ होगी, वो आगे कहा गया है। तो ये जो परमेश्वर परमात्मा है उसके तीन स्थान यहाँ कहे गए हैं कि जहां से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, और ये तीन स्वप्न रूप होने के कारण उसे त्रय स्वप्न कहा गया है। याद रखिए, जो परमात्मा के तीन स्थान है उनको त्रय स्वप्न कहा गया है। तो ये जहाँ जो आश्रय लेते हैं उपलब्धि के स्थान है, वो कौन कौन से हैं? एक तो हृदय गुहा, दूसरा परम धाम, और तीसरा है ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड। तो परम धाम को आकाश रूप से भी जाना जाता है, और भी जो नाम है, वैसे मंत्र में तो ये नाम नहीं है, लेकिन वर्णन किए गए जो है वो सत्यलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, साकेत लोक और कैलाश, ये सब परम धाम को दिए गए अन्य नाम है। तो आगे भी मैंने किसी और बुक से जो पढ़ा था वो लिखा है मैंने यहाँ पे कि स्थूल सूक्ष्म और कारण इन अवस्थाओं को भी परमात्मा के तीन स्थान कहा जाता है, और सर्व सृष्टि स्वप्नवत होने के कारण इन तीन स्थानों को स्वप्न कहा गया है। और एक नाम भी यहाँ आगे के मंत्र में दिया गया है परमात्मा को, उसे इदंद्र नाम से जाना है। इदम द्रह अर्थात द्रह दृष्टि देखना, तो इदम द्रह इसको मैंने देख लिया। तो जिसको देखा वो कौन है? परमात्मा। इदंद्र नाम के इस परमात्मा को लोग परोक्ष भाव से इंद्र कहकर भी पुकारते हैं। तो हमें ये जानना है परमात्मा का जो दूसरा नाम यहाँ कहा गया है वो इदंद्र है, उसे इंद्र कहकर भी पुकारा जाता है। और परोक्ष भाव अर्थात दृष्टि के परे जो दिखाई भी न दे वो होता है वो परोक्ष भाव, दृष्टि के परे इदंद्र इंद्र, इसे याद रखिए। यहाँ पे पहला अध्याय जो है वो खत्म होता है, फिर हम देखेंगे द्वितीय अध्याय। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम जाते जाते इसको देख लेंगे, क्योंकि ये भी जन्म और मृत्यु के बारे में है। द्वितीय अध्याय में जो हमने जाना है वो वाम नामक एक ऋषि है, वामदेव नामक ऋषि, जिन्होंने तीन जन्मों के बारे में जाना है, और वो उन्होंने क्या जाना है वो देखते हैं यहाँ पे कि जो जीव पुरुष शरीर में है वो गर्भ रूप में विराजमान होता है। जैसे ही शरीर में जीव आता है तो वो गर्भ रूप में आता है। तो कैसे? कि वीर्य का स्त्री में जब सिंचन होता है तो गर्भधारणा होती है, गर्भ रूप से वो आता है। क्योंकि जब वो माता कुछ खाना पीना लेती है, कुछ खाती है, तो उसी से गर्भ का पोषण होता है, रक्षण होता है, और उस शक्ति से
वो जीव वहां आता है वो जीव का प्रथम जन्म कहा गया है। फिर वहां 9 महीने रहने के बाद जब प्रसव होता है, जन्म होता है, तो जन्मोपरांत जन्म होने के बाद जो भी शिक्षा उसे मिलती है, संस्कार उसे मिलते हैं, उससे वो जीव सुसंस्कृत बनता है। हम कहते हैं 16 संस्कार दिए जाते हैं, तो उस शिक्षा से वो जीव सुसंस्कृत हो जाता है, तो वह उस जीव का द्वितीय जन्म है। मतलब जन्म से मृत्यु तक जो भी वो कुछ है वो दूसरा जन्म, और वो जब सब कर्तव्य पूर्ति होती है, आयु पूर्ण होती है उस आत्मा की, अर्थात आत्मा मृत्यु को छोड़ देती है, शरीर को छोड़ देती है, मृत्यु आ जाती है, तब जीव का तृतीय जन्म माना गया है, क्योंकि वो शरीर छोड़ देती है लेकिन किसी और शरीर में वो जाती है। इसीलिए ये 3 जन्म कहे गए हैं। तो ये जो वामदेव नामक ऋषि है, उन्होंने माता के गर्भ में होते हुए इन संपूर्ण जन्मों को जान लिया। तो वो गर्भ में होते थे तभी उन्होंने ये सब जान लिया था, ज्ञान लिया था इसका। और जिस शरीर नामक पिंजरे में वो अवरुद्ध थे, अर्थात बंद थे, कैद थे, वहां से शयन पक्षी के समान पिंजरा तोड़कर मैं इस जन्म मृत्यु श्रृंखला से बाहर आया, ऐसा वो वामदेव ऋषि ने बताया। तो जब वो गर्भ में थे तभी उन्होंने कहा कि मैंने अभी ये जान लिया है कि जो 3 जन्म है उनको मैंने जान लिया है, और ये शरीर नामक जो पिंजरा है उसको तोड़कर मैं ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे मैं बाहर आ गया हूँ। तो उन्होंने गर्भ में ही इसका ज्ञान ले लिया था। तो वामदेव ऋषि ने ये जान लिया गर्भ में होते हुए, तभी उनको ऊर्ध्व गति प्राप्त हुई और वहीं पे वो परम धाम को प्राप्त हुए। तो जन्म, जीवन और मृत्यु, पुनर्जन्म, इनके सातत्य से बाहर आकर ज्ञान से वामदेव ऋषि मुक्त हो गए। इतना ही इस द्वितीय अध्याय में हमें जानना है, अर्थात ज्ञान से ही संसार से हम मोक्ष पा सकते हैं, इतना हमें याद रखना है। ये तृतीय अध्याय जो है आगे, उसमें आत्मा के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे जो आत्मा है, हमने पहले भी देखा था कि श्लोक में पहला जो मंत्र है वहां पे जो आत्मा आया है, तो इस उपनिषद में वही परमात्मा कह के आया है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है कि हम जिसकी उपासना करते हैं वह आत्मा कौन है, तो ये जो है यहाँ पे हम उपासना करते हैं वो परमात्मा है, वो परमात्मा करके हमें जानना है। और जो दूसरा क्वेश्चन है कि जिसके द्वारा मनुष्य देखता है, सुनता है, सूंघता है, बोलता है, स्वाद लेता है, तो वह आत्मा कौन, तो वही पे आगे बोला है कि ये जो दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे विश्वात्मा कौन है या परमात्मा कौन है ये नहीं पूछा है। तो शरीर की सारी संवेदना ग्रहण करने वाला जो है, ब्रह्मरंध्र से शरीर में जो आया है और जन्म मृत्यु चक्र से जाने वाला जो है वो आत्मा, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो याद रखना है, जो पहले क्वेश्चन में जो आत्मा कहा गया है वो परमात्मा है, और दूसरा है वो आत्मा है। तो जो ये परमात्मा है उसकी बोधक शक्तियां आगे कही गई है, कि ये परमात्मा की बोधक शक्तियां कौन सी है, अर्थात हमें किसके द्वारा इसका बोध होता है, बोधक शक्तियां अर्थात किसके द्वारा हमें उस परमात्मा का बोध होता है। तो वो हृदय है, मन भी है, वो संज्ञान है अर्थात सम्यक ज्ञान है, अज्ञान है, यहाँ पे ध्यान रखिए अज्ञान नहीं अज्ञान है, आज्ञा देने की शक्ति जिसमें होती है वो अज्ञान, विज्ञान है, प्रज्ञान अर्थात तुरंत जानने की शक्ति होती है वो है, मेधा अर्थात ज्ञान धारण करने की शक्ति वाला है, दृष्टि अर्थात जिसे देखा जा सकता है वो भी है, धृति अर्थात धैर्य, मति अर्थात बुद्धि, मनीषा अर्थात मनन शक्ति भी वो है, ज्योति का अर्थ वेग वो भी वही है, स्मृति अर्थात स्मरण शक्ति,
संकल्प शक्ति क्रतु अर्थात कर्म का हेतु भी वही परमात्मा है। असु अर्थात प्राण शक्ति, काम अर्थात इच्छा शक्ति, और वश अर्थात जो अभिलाषा हमें होती है वो भी परमात्मा है, उसके द्वारा हम उसका बोध कर सकते हैं। तो ये सब जो प्रज्ञान रूप आत्मा के सत्ता बोधक नाम है, इनके द्वारा परमात्मा का बोध किया जा सकता है। तो ये जो परमात्मा है वो कैसा है, आगे कहा है कि यह प्रज्ञान रूप आत्मा ही ब्रह्म है, वही इंद्र भी है, प्रजापति भी है, अग्नि सूर्य आदि देव जो है वो भी ब्रह्म ही है। जो पंच महाभूत है, बीज रूप में है, पिंड रूप में है, पिंड रूप जो अंडज, स्वेदज, जरायुज, उद्भिज, ये हमने सिद्ध सिद्धांत पद्धति अगर पढ़ते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये पिंड रूप जो है, अंडज जो होते हैं वो अंडे से उत्पन्न होने वाले, स्वेदज जो स्वेद से पसीने से आते हैं, जरायुज अर्थात जो मनुष्य आदि प्राणी है वो, और उद्भिज अर्थात जो वनस्पति आदि होती है वो उद्भिज है। तो ये सब भी ब्रह्म है। जो गो है अर्थात गाय, अश्व, मनुष्य, हाथी, ये जो जंगम है सब पैर से चलने वाले जो है वो सब ब्रह्म है। पतत्री अर्थात आकाश में उड़ने वाले, स्थावर अर्थात वृक्ष पर्वत आदि, ये सब उस प्रज्ञान में स्थित है और ये प्रज्ञान ही ब्रह्म है, ये हमें जानना है। हमने पहले और भी देखे थे, अभी ब्रह्म के अगर नाम आते हैं तो क्या आता है, प्रज्ञान ही ब्रह्म है, वो भी हमने देखा। जो इदंद्र है वो भी उसका नाम है, वो भी हमें याद रखना है। तो यहाँ पे अपना ऐतरेय उपनिषद खत्म हुआ। कुछ क्वेश्चंस फास्ट हुआ क्या आज, बहुत आवाज आ रही है मेरी, सुन रहे हो ना आप लोग? मैम ठीक था, हाँ बोलिए। अच्छा था मैम, पास नहीं हूँ। ओके ओके जी, जितेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं मैम, यही बोल रहे थे, ठीक था, पास नहीं था। ओके 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 कुछ क्वेश्चन, मतलब कुछ डाउट है कुछ क्लियर करेंगे, होगे तो, नहीं तो क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। एक बार पढ़ेंगे, बाद में कुछ रहा तो मैम पूछेंगे। ओके ओके ठीक है। अच्छा तो टाइप कीजिए, ये कौन से वेद से लिया गया है ऐतरेय उपनिषद? और कौन से अध्याय ऋग्वेद से है? सभी लोग टाइप करें जी, ऋग्वेद से लिया गया है। और ये याद रखिए, 4, 5 एंड 6, 4, 5 और 6 अध्याय दूसरे आरण्यक के, उनको ऋग्वेद कहा गया है। इसमें कितने मंत्र है कुल मिला के? 33 मंत्र है। सही। और जो 8 लोकपाल यहाँ पे कहे गए हैं उनकी शक्ति कौन कौन सी है, कोई बता सकता है? अच्छा उससे पहले ये कहिए कि 8 लोकपालों की रचना करते वक्त किसको लक्ष्य करके तप किया गया था? लोकपालों की निर्मिति की तो किसी को लक्ष्य करके उस परब्रह्मा ने तप किया? जल, हिरण्यगर्भ। जी बिल्कुल, लेकिन आपसे ही की है, लेकिन जो पुरुष की उत्पत्ति हुई उसको आप, जो ऑप्शन आएंगे उसको ध्यान से देखना, अगर वह आप है तो आप, अदरवाइज हिरण्यगर्भ करके याद रखना है। और जो लोकों की निर्मिति हुई वो 4 लोक कौन से है? जी एक साथ टाइप किए तो भी चलेगा। जी
बिल्कुल तृप्ति जी, विक्की जी, किरण जी, आयुषी जी, सही है। जो अंब, मरीची, मर, आप, ये चार लोग। तो हिरण्यगर्भ की जैसे लक्ष्य करके तप करके 8 लोकपालों की रचना की, वैसे ही जल को लक्ष्य करके जो तप किया तो उससे किस किसकी रचना की गई? सही है कविता जी आपका भी। जल को लक्ष्य करके किसकी रचना की गई? मतलब मैं, मुझे ये एक डाउट था कि परमात्मा ने जल से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति की या हिरण्यगर्भ को लक्ष्य करके, फिर वो मेरा थोड़ा कंफ्यूजन है। जल से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति तो की उन्होंने, फिर उसको लक्ष्य करके उन्होंने 8 जो लोकपाल है उनकी निर्मिति की, उनका निर्माण किया। तो विकी जी, मैंने क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि जैसे हिरण्यगर्भ को लक्ष्य करके 8 लोकपालों की रचना की गई, वैसे जल को लक्ष्य करके, हमने आगे पढ़ा था ठीक से आपको याद नहीं है तो, जल को लक्ष्य करके उन्होंने अन्न की रचना की। बिल्कुल सही आयुषी जी। तो कोई बता सकता है ये जो 8 लोकपाल है, अनम्यूट कीजिए, और 8 लोकपाल, उनकी शक्ति और देवता एक साथ, कोई बता सकता है? अच्छा, जितना याद है उतना कोई बता सकता है? जो पहले तो मुख की उत्पत्ति हुई, वाक इंद्रिय उसकी शक्ति है, देवता अग्नि है। यानी बड़ी आवाज आ रही है ना मेरी, या टाइप कर रहे हो आप लोग? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। अरे यार, यार ओके, मैम, पहले मुख की उत्पत्ति हुई, हाँ मुख से ग्रहण, मुख से वाचा, वाचा, हाँ उसकी देवता है अग्नि। नहीं मैम मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा, कविता जी आप बता सकते हो? हाँ जी मैम, पहले मुख छिद्र और उसकी शक्ति है वाक शक्ति और उसके देवता है अग्नि, फिर नासिका छिद्र शक्ति है प्राण और वायु देवता, फिर जी आंखें, फिर उसकी शक्ति है चक्षु और सूर्यदेव, फिर कान यानी कि कर्ण और शक्ति है सुनने की या तो श्रोत्र, और दिशाएं हैं उनकी देवता, त्वचा पे शक्ति है रोम, और फिर आगे नहीं मालूम। ओके ओके, जो त्वचा है वो वृक्ष वेली है, उसकी देवता। आगे हृदय की उत्पत्ति होती है, जो मन, उसके देवता चंद्रमा। फिर नाभि, अपान वायु, उसकी देवता है मृत्यु। फिर लिंग की उत्पत्ति, जो शक्ति है वीर्य, और देवता है जल देवता। तो उसके बाद जो शरीर के आश्रय की याचना की गई थी, तो उसके लिए 3 शरीर बताए गए थे। वो कौन से 3 शरीर है? टाइप कीजिए, परमात्मा द्वारा रचे गए 3 शरीर। वाह विकी जी, अच्छा टाइप किया आपने सबका सब। चलो तू आगे वाला भी टाइप कर दीजिए, परमात्मा द्वारा रचे गए शरीर। जी किरण जी, सही है आयुषी जी। गाय, अश्व और पुरुष। तो अन्न को जिसने ग्रहण किया वो कौन? जी कविता जी, विवेक की जी। जी बिल्कुल सही, अपान वायु। जो परमात्मा के 3 स्थान कहे गए हैं, जिसे त्रय स्वप्न भी कहा गया है, वो कौन से है? त्रय स्वप्न, जहां से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं।
श्रीनिवास जी, बिल्कुल सही। हृदय गुहा, परम धाम और संपूर्ण ब्रह्मांड। किरण जी सही कीजिए, अपने आपको ब्रह्मरंध्र लिखा है शायद आपने, वो संपूर्ण ब्रह्मांड होना चाहिए, संपूर्ण ब्रह्मांड जी। और यहाँ पे जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उसको कौन से नाम से जाना गया है? इंद्र, और एक नाम हमने देखा था, तृप्ति जी आपका गलत है, मैं बोलती हूँ आपको, पहले ये है कि इदंद्र और प्रज्ञान भी ब्रह्म है, ये हमने जाना था। विद्रुति जो है वो उसका प्रवेश द्वार करके हमने पढ़ा है कि परमात्मा का जो प्रवेश द्वार है वहां से वो ब्रह्मरंध्र मूर्धा के द्वारा चीर कर अंदर आता है, उसे विद्रुति कहा गया है। बस याद रखिए आप ठीक से। बस आज के मेरे क्वेश्चन भी खत्म हो गए हैं, इतने ही निकाले थे मैंने। और किसी को कुछ पूछना है? मीनाक्षी जी आप हो क्या? प्रेरणा जी आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकती है, आज का ये ऐत्र उपनिषद जो है वो तो खत्म हो गया है।